हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास ये एचपी का एक ऑल इन वन मशीन आया हुआ है, जिसमें की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। तो मैं इसका आपको मॉडल दिखा देता हूँ। इसका मॉडल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है, इसका यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एक बार इसका मॉडल पूरा देख के आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसका मॉडल क्या है। इसका मॉडल है एचपी ऑल इन वन और इसका ये सीरियल नंबर है और इसका यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जो कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको खोलते हैं और इसमें एसएसडी लगाना पड़ेगा इसकी स्पीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अभी इसमें नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगा हुआ है तो इस वजह से ये स्लो चल रहा है। तो अभी हम इसको खोलते हैं। तो खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो स्टैंड है, स्टैंड को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका आगे का ओपन होगा। तो सबसे पहले हम इसके स्टैंड ओपन करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टैंड है वो स्टैंड पूरी तरह से मैंने बाहर कर दिया है खोल के इसको। अब यहाँ पे अगर हम मॉडल नंबर देखना चाहें तो मॉडल नंबर यहाँ पे हमें सभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसका ये मॉडल है HP 22-B23-1-IN। अब इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं कि SSD का जो स्लॉट है वो M.2 का है या फिर इसमें हमारा साटा लगाना पड़ेगा। तो वो इसको और फिर इसको खोलते तो अभी हमारा पूरा ये स्क्रीन और मदरबोर्ड अलग हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये हमारा i3 7th जनरेशन है, बट इसमें हमारा M.2 या फिर NVMe का स्लॉट नहीं है। तो हमें इसमें हार्ड डिस्क हटाना पड़ेगा और हार्ड डिस्क हटा के ही हमें इसकी जगह पे साटा SSD लगानी पड़ेगी। और हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है जिसमें मैं अपना M.2 या फिर NVMe लगा सकूँ। तो फिर हम इस हार्ड डिस्क को हटाते हैं और इसकी जगह पे साटा SSD को लगाते हैं। डीवीडी राइटर को हटा दें और डीवीडी राइटर को हटा के इसकी जगह पे हम साटा SSD लगा सकते हैं KD के थ्रू। तो हमारा जो SSD है वो हमारा डीवीडी राइटर की जगह पे लग जाएगा KD के थ्रू, और जो हमारा ये हार्ड डिस्क है साथ में ये भी लगा रहेगा। तो हम हार्ड डिस्क ना हटा के इसके उसको डीवीडी राइटर को हटाते हैं और इसकी जगह पे हम KD के थ्रू SSD को लगाते हैं। तो अभी हम इसके डीवीडी राइटर को हटाते हैं और अब हम इसमें SSD को लगाते हैं। तो हमारा जो DVD राइटर है ये बाहर आ चुका है, अब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पे एक SSD लगाएंगे KD के थ्रू। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।
अब ये हमारे पूरी तरह से पैक हो चुका है। अब मैं इसमें विंडोज इंस्टॉल करेंगे SSD में, उसके बाद फिर से आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसमें विंडोज इंस्टॉल कर दिया और हार्ड डिस्क भी सेट कर दिया। अब मैं इसे ऑन करता हूँ और आप देखें कि इसमें विंडोज से रन होता है, विंडोज किस से रन होता है, हमारा हार्ड ड्राइव से या फिर SSD से। अभी हमारा विंडोज ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं कितना जल्दी ओपन हो गया। इसका मतलब हमारा यही है कि ये हमारा SSD से ओपन हो गया, अभी इतना जल्दी हो गया ओपन। आप देख सकते हैं कि हमारा विंडोज भी ओपन हो गया और हमारा अगर यही जगह इसी जगह अगर हमारा हार्ड डिस्क से ओपन होता तो वो काफ़ी टाइम ले लेता और विंडोज ओपन नहीं हो पाता। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 240 GB की SSD लगा रखी जो हमारे सी ड्राइव को कर रही है। उसके अलावा हमारा 1 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है जो हमारा ये EFGH ये दिखा रहा है, ये सारा हमारा हार्ड डिस्क है। तो अभी हमारा जो ये इसमें ऑल इन वन SSD लगाना था, हमने SSD लगा दी और पूरी तरह से इसको रेडी कर दिया है और अब हम इसको कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। अगर आपके भी लैपटॉप में ऐसी तो आप सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर सभी प्रकार के कंप्यूटर, लैपटॉप एवं प्रिंटर रिपेयर करते हैं।